मैं धारा शाह को प्रेजेंट कर रही हूं। ये जर्मनी से आई हैं, इनकी बच्ची आर्या शाह को जर्मन गवर्नमेंट ने या वहां की संस्था ने, जो संस्था है उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 2 साल हो गए हैं, वापस नहीं कर रहे। ये हमारे पास आई विद द हेल्प ऑफ एन एनजीओ टू सीक हेल्प फ्रॉम पार्लियामेंटेरियंस। अभी कैसे बताएं, ये लगातार जो है एक कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने बहुत ही ज्यादा सख्त स्टैंड लिया हुआ है। हम उसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी करेंगे, जर्मन एम्बेसी के लोगों को भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान की बेटी है, उसको अपने देश में भेज देना चाहिए। गुजरात में एक संस्था है जहां जो फॉस्टर पेरेंट्स बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिस तरह से बच्चों को विदेश से लिया जाता है, जो बच्चों को गलती से वहां की सरकार ने रोक लिया है, तो वो हाउस भी आइडेंटिफाई हो चुका है, वो गुजरात में है। और हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि उस बच्ची को पूरी ताकत लगाकर देश में वापस लाएं और वो फॉस्टर होम में रखें, और उसके बाद जो भी जजमेंट उसके ऊपर देना है वो हिंदुस्तान की सरकार करे, जर्मनी की सरकार नहीं।